हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है आपके लिए। एक नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में आज आपको बताएंगे कैसे इसमें भर्ती में सिलेक्शन होता है, किस बेस पे यहाँ पे मेरिट बनती है और बिना एग्ज़ाम के कैसे आप इसमें क्वालिफाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पूरी चर्चा करेंगे आपको जो ये वैकेंसी है TS की। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एंट्री स्कीम जिसे कहते हैं 10+2 के बेस पे, तो आज हम पूरा चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स TS 43। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जब मैंने वीडियो आया था 42 था, तो यानी ये हमेशा निकलता रहता है कंटिन्यूसली 42, 43, अभी 44 आएगा। तो दोस्तों, इसमें कैसे आपको फॉर्म भरना होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, हम सब कुछ बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो डेट्स देख लीजिए, 15 अक्टूबर को इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसके बाद लास्ट डेट जो दी गई है वो 13/11 को दी गई है और एडमिट कार्ड आपका आएगा नोटिफाइड सून। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द जो है आपका इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फीस में देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप सभी को कोई भी कैटेगरी में हो, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, चाहे वो फीमेल कैटेगरी हो, चाहे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको एप्लीकेशन फ़ीस कुछ नहीं भरनी है, यानी ज़ीरो है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि आप सभी को फॉर्म भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं भरनी है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि ओनली अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। सबसे पहली चीज़ यह है कि आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए, यानी कि जितने भी अनमैरिड कपल्स हैं जो हैं, सिर्फ वही जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। पास 10+2 इमीडिएटली विथ एटलीस्ट मिनिमम 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, PCM स्ट्रीम, यानी कि आपको साइंस सेक्टर से, जी हाँ दोस्तों, आर्ट्स वाले भी नहीं भर सकते, कॉमर्स वाले भी नहीं भर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होंगे जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो साइंस से पढ़े होंगे उनके लिए, और वो भी 70% के ऊपर आपके मार्क्स होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारी क्वालिफिकेशन जो है आपको नोट डाउन करनी होगी, बिना इसके आप फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि आप फॉर्म भर देंगे अगर आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखिए, यहाँ पे मिनिमम एज जो दी है 16 वर्ष 6 मंथ, यानी 16.5 वर्ष से लेकर, यानी कि 16.5 वर्ष, यानी कि अगर आप 16.5 वर्ष के हैं तो मिनिमम एज में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और दूसरा मैक्सिमम एज अगर आपकी 19 वर्ष 6 महीने हैं तो ही भर सकते हैं, यानी कि आपको 3 वर्ष का समय दिया था 16.5 से 19 तक का, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए कि इसमें आना चाहिए, कैंडिडेट्स नॉट बॉर्न बिफोर, आप 2 जनवरी 2001 से पहले के जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2004 के बाद। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2001 से 2004 के बीच में जिसका जिसका डेट ऑफ बर्थ आता है सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं बता दूं टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट है 90। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा 90, 92, 93 इतनी ही पोस्ट होती हैं, और इस बार भी देखिए 90 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन निकला है। आपको करना क्या होगा, तो आपको जाना होगा इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जो है joinindianarmy.nic.nic.in। जी देखिए, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, देखिए किसी प्रकार का इसमें आया। अब बैक टू सेफ्टी करेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ओपन अब मैंने कर दिया है joinindianarmy.nic.in, ये है आपका एथनो कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये आपका जो कैप्चर कोड है वो यहाँ पे आपको एंटर करना होता है, उसके बाद जो है आप इसकी वेबसाइट के अंदर एंटर होगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितनी सिक्योर है ये वेबसाइट कि आप इसे डायरेक्ट ओपन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये कोड जो है इसमें डालना होगा, तो चलिए हम इसमें डाल सकते हैं ये कोड। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने, आप जाके ओपन हो चुका है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट, ये है देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ ओनली फॉर ऑफिसर्स एंट्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको रजिस्टर होने से पहले पंजीकृत करना होगा, क्या करना, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चर कोड, तो आपका तो अभी पहला है, फर्स्ट है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद देख लीजिए, आपके लिए एक नया जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन पहले दिया है, आपको सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने होंगे और उसके बाद ही जो है आप इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर कंटिन्यू करना होता है आपको, यहाँ पे अब आपने कंटिन्यू किया तो आपके सामने देखिए रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया। अब है देखिए, आई है, मेरे पास है आधार कार्ड, एनरोलमेंट नंबर नॉन, तो आपके पास जो चीज़ होगी, आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखिए, फिर फादर नेम, यहाँ पे आपका नाम देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, यहाँ पे आपकी मम्मी का नाम आएगा, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आएगा आपका, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका चेकबॉक्स क्लिक करना होगा, और उसके बाद आप जाके नीचे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरने की। अब इम्पॉर्टेंट है कैसे इसका जो है सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप फॉर्म भरेंगे, आप 12वीं
का जो साइंस के आप मार्क्स डालते हैं, जिसमें आपका मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, यानी पीसीएम के जो मार्क्स होते हैं आपके दोस्तों, ये मार्क्स में जितने आपके परसेंटेज बनते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट्स का 70% है, किसी का 80 है, किसी का 90 है, तो जो हाईएस्ट एवरेज वाले रहेंगे उन बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, यानी कट ऑफ जो बनेगी आपके 12th के मार्कशीट के बेस पे बनेगी। बस उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको जो है कुछ ही दिन में, एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते के बाद आपको जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इसका रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, आपको जो इसका एक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा कि आपको सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा सीधा। अब ट्रेनिंग में आपको क्या है ना, वहाँ पे आपको जाना होगा आपको आर्मी सेक्टर पे, जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा। कुछ लोग जैसे नॉर्थ के अप्लाई करते हैं, यूपी में होता है उनका, इलाहाबाद में है, तो जहाँ जहाँ आर्मी का ये सेंटर होता है वहाँ पे आपको जाना होगा। 10 से 15 दिन की आपकी टोटल ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा कैसे कैसे होता है। वहाँ पे एक आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो है आप पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट बनती है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है इन 90 बच्चों का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया हो कैसे इस फॉर्म को भरना है और किस प्रकार आपका इसमें सिलेक्शन होगा। टोटल इन शॉर्ट मैं आपको कहूँगा सिर्फ 12वीं के मार्क्स पर आपके डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।